मैं हूँ आपका कैप्टन सत्या। और सबसे खूबसूरत चीज है जी ये क्वीन एलिजाबेथ 2। मतलब आज एक नया एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में हम बहुत सारे होटल्स में रुके, कश्मीर टू कन्याकुमारी किया, और हर दिन होटल बदले, नज़ारे बदले, पहाड़ बदले, मौसम बदले, सब कुछ बदला, पर कभी ये वाला एक्सपीरियंस नहीं किया। तो आज पहली बार मैं खुद मिडल ईस्ट का फर्स्ट फ्लोटिंग होटल है जहाँ पर हम रुकने जा रहे हैं। वैसे ये 1968 में बना था, पता नहीं इसने कितने तूफान, कितनी वादियाँ, कितने मौसम चेंज होते हुए देखे हैं, इवन कितने ही ट्रैवलर्स इसके ऊपर आए होंगे जिन्होंने इसके ऊपर सवारी की होगी और उन्होंने कितना कुछ सरवाइव किया होएगा हम नहीं जानते। पर आज इसमें हम रहेंगे, चेक इन करेंगे, और क्या एक्सपीरियंस रहेगा, क्या हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत जितना भी हम जान पाए उतना आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। पर ये बाहर से खड़े होकर देख रहा हूँ ना, तो इसका एक्सपीरियंस अलग लग रहा है। अंदर जाके थोड़ा चेक करते हैं कितने पैसे लगेंगे, सब उसको एंटर करते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। चलिए आ रहे हैं जी हम। फाइनली हमारे पास ही आ गया जी, देखो कितना प्यारा सा कार्ड है, क्वीन एलिजाबेथ 2। मतलब हमारे को चेक इन दे दिया गया, ऐसा फ्लाइट की आदत पड़ गई है ना। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर गर्मियों के टाइम पे थोड़ा प्राइस कम है, तो उस टाइम पे अगर आप आकर ये एक्सपीरियंस करना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे को लगता है कि हमने बहुत अच्छा फैसला किया है, कि बाहर बहुत ही गर्मी है, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना चाहिए। पर गर्मी में खड़े होकर ये पसीनों पसीन होकर हम आपसे पूछ लेते कितना हो जी सारे वधिया आप, बहुत ही वधिया जी, बहुत ही वधिया। क्वीन एलिजाबेथ जी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो जो शिप पर हम खड़े हैं ना, ये शिप पर अभी हमारे को पता लगा कि यहाँ पर नेल्सन मंडेला, बुश सब बैठ के यहाँ पर चाय पीते थे, तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना बैठ ही सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं, चाय ले आओ मेरे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जहाँ पर खड़े होकर कैप्टन पूरा देखते होते थे मैप पर कि हमारा शिप कहाँ पर जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी आप इक्विपमेंट देखोगे, वॉकी टॉकी से लेके सब कुछ बहुत ही पुराना है जब ये शिप, और ये एक कैलेंडर बनाया गया जो शिप सेल होने से पहले लास्ट कैलेंडर है यहाँ का। और यहाँ पर कैप्टन बैठते थे, तो हम थोड़ा सा कैप्टन के तरीके से आपको बताते हैं। कैप्टन जब होते थे तो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया करते थे कि आज मौसम का हाल कैसा है, बारिश होने वाली है, कैसीनो ओपन है, या कुछ भी आप खेल सकते हैं। मैं हूँ आपका कैप्टन सत्या, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हम बहुत ही अनोखी जगह पर पहुंच गए हैं और यहां से आपको अगली दुनिया में पहुंचा देंगे, धन्यवाद। तो ये क्या सेक्शन में खड़े हो गए, हमारे को बहुत ही थोड़ा सा विंटेज फील हो रहा है, क्योंकि यहां पर कंप्यूटर से लेके पेपर वर्क जितना है वो बहुत ही पुराना है। पर अगले सेक्शन में चलते हैं, यहाँ वाला सेक्शन हो गया है, कैप्टन आपका ओवर एंड आउट। और ये है शिप का फ्रंट साइड, यानी कि अगर कोई भी आके लहरें टकराती थी तो ये इतना स्ट्रांग था कि इससे टकराने के बाद पानी का जो बहाव था वो बहुत ही कम कर देता था, क्योंकि इतना स्ट्रांग बनाया गया इसको। और उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाता था कि आप एक दिन एक्स्ट्रा सरवाइव कर गए हो। तो क्या क्या देखा है इस शिप ने, क्या बात है। तो अभी जब नीचे उतरे, तो नीचे उतरने के बाद कुछ हमारे को पता लगा कि तो बेसिकली यहाँ पर जब ये शिप वॉयज के लिए जाती थी, यानी सेल करती थी, तभी सारे जो पैसेंजर्स होते थे 1968 में इसमें आते होते थे अराउंड 2500, और यहाँ पे जितने एजेस पे सारे पैसेंजर्स आ जाते थे, और जो फैमिलीज होती थी उनकी उनको बाय बोलने आती थी, तो पैसेंजर्स के हाथ में कुछ भी पार्टी का दे देते और यहाँ फेंक देते थे। तो इसीलिए यहाँ पे नीचे ग्राउंड पे वो बनाया भी गया है दिखाने के लिए कि कैसा लगता होगा, वहाँ इमेजिन कर सकते हैं कितना खूबसूरत। 2500 के बाद अब भी हम भी उनमें से एक हैं। और यहाँ पर जब अंदर आए हैं तो धीरे धीरे हिस्ट्री हमारे को और ज़्यादा पता लगती जा रही है, कि यहाँ पर जो डिनर का टाइम होता था, यानी कि शाम के टाइम पे, तो ड्रेस कोड होता था, उसमें आप ब्लेजर और टाई पहन गया था। अगर उसके अलावा आपने वो ड्रेस कोड नहीं पहना तो आपको शिप से उतार दिया जाता था। इवन एक बार हुआ था कि ब्लेजर और टाई के साथ नीचे किसी ने कुछ भी नहीं पहना और उसको वापस भेज दिया गया था। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपका ड्रेस कोड यहाँ पर कितना मैटर करता था। और अगर किसी इंसान को हाइट से डर लगता है तो ये थोड़ा सा ऐसे नज़रें झुकाकर देखो कि है क्या।
और ये है जी बिल्कुल ये स्टेज एरिया यहाँ का, जहाँ पर अगर आप पहले के टाइम पे देखो तो कैबरे होता था, मैजिक शो होते थे, तो जितनी भी ये जगह बनी हुई है ये इसलिए होती थी क्योंकि यहाँ पर एक इवेंट को पूरा बनाया जाता था। और ये पीछे अब तो स्क्रीन लग गई है, उस टाइम में पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती थी, पर लोग यहाँ पर सामने हमारे यहाँ से परफॉर्मेंस होती थी और यहाँ पर पूरा 180 डिग्री का बना हुआ है जहाँ पर ये परफॉर्मेंस का एंजॉय किया जाता। अब मेरे को लग रहा है अब के टाइम के हिसाब से प्रोजेक्टर लगा दिए, क्योंकि पहले के टाइम में शायद प्रोजेक्टर नहीं होते थे, लाइव परफॉर्मेंसेज होती थी, वाइन होती थी, ग्लास होता था और नाच गाना होता था। और ये है वो जगह जहाँ पर सब बैठ के इस परफॉर्मेंस का एंजॉय करते थे। वैसे इसके दो सेक्शन हैं, एक नीचे से देख सकते थे और एक ऊपर से भी लोग बैठते थे और जो इस परफॉर्मेंस का एंजॉय करते थे। अभी शायद ऊपर पर्दे वर्दे लगा दिए इसलिए हमारे को दिख नहीं रहा, नहीं तो यहाँ पर भी जगह थी पर अभी शायद परफॉर्मेंस हो नहीं रही इसलिए आपको दिखा नहीं सकती। ये है विंटेज कैसीनो मशीन जो 1970 के टाइम की थी, पर दुबई में सब चीज़ें अलाउड नहीं है इस वजह से इनको अभी तक सिर्फ रखा गया है। आने वाले फ्यूचर में शायद कैसीनो अलाउड हो जाए तब ये सारी मशीनों को दोबारा से यूज़ कर पाएंगे, पर इनको देखना अपने आप में एक वो है, फीलिंग है। ओहो, तुम तो ख़राब करोगी, इतने सालों से संभाल के रखा हुआ है, तुम खराब करके जाओगी। मतलब ये सोचो ना यार, 1970 1968 से ये चली आ रही है और अभी तक ऐसे चमक रही है, मतलब क्या मेंटेन्ड है अभी तक, क्या मेंटेन्ड है और मतलब कितने अच्छे तरीके से बनाई भी गई है कि। पर पहले वाले लोग ना अच्छे तरीके से बनाते थे, अभी वाले क्या हल्का माल बनाते हैं, अभी अच्छा डिजाइन भी चेंज नहीं किए सर अभी वैसे, और इनको वैसे ही रखा गया है, ये अच्छी बात है। ये देखो ना, ये इसकी वुडन फ्लोरिंग से लेके सब कुछ बहुत ही विंटेज है। टच गेम किंग पॉन्ट भी देखो कितना विंटेज है यार, इसको देख के मजा आ गया। देखो शिप की हिस्ट्री जान ली है तो अब आपको वक्त आ गया है हमारे रूम के दर्शन करने का। खूबसूरत बात यह है कि हमारे को जो रूम दिया गया वो है कैप्टन रूम, और उसके लिए जाना पड़ता है हमारे को सन डेक। बंद इधर से हुआ है दरवाजा, पर खुलेगा इधर से। ये साइड में आते खूबसूरत से सोफे, और यहाँ पर आपको बुक शेल्फ मिलेगी जिसमें बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन है। नज़ारे बिल्कुल अलग हैं, जैसे जैसे होटल के अंदर इसके अंदर घुस रहे हैं वैसे वैसे जहाज की जगह थोड़ी सी कंजस्टेड होती जा रही है, और रूम पता नहीं कितना कंजस्टेड होएगा। पर ये देखो ना, हमारे सिर से अगर देखा जाए तो इतना सा ऊपर रह गए हम। टेंट ने सबसे खूबसूरत चीज है जी, ये देख रहे हो जी आप, और ये खूबसूरत सामने सनसेट हो रहा है। और ये इतने खूबसूरत लोग हैं क्योंकि इन्होंने हमको रूम भी उस साइड दिया है जहाँ से सनसेट दिख रहा है, और कितना ज्यादा अच्छा दिख रहा है आज। थोड़ा सा सनसेट का आनंद ले लेते हैं। बैठ के जो हमने सनसेट देखा है उसके नज़ारे तो आपने देख ही लिए, पर एक बात और है, जब अभी मैं अंदर आया बाहर क्योंकि इतनी गर्मी थी तो आके मैंने फेस वॉश किया तो मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन था कि इतना समंदर के बीच में ये शिप लगा दिया तो पानी वैसा नहीं होगा, कुछ खारा होगा या थोड़ा हार्ड वाटर होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था, पानी बिल्कुल नॉर्मल था। और जब उससे फेस वॉश किया तो ऐसा मतलब दोबारा से मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्रेश हो गया, रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। तो मेरे को लग रहा है जब आप रिफ्रेश फील कर रहे होते हो तो रिफ्रेशमेंट लेने के लिए यहाँ पर गोल्डन बार। तो ये हमारे को दिया गया है क्वीन एलिजाबेथ वालों की तरफ से, जाकर आप एक एक ड्रिंक ले सकते हैं। और ड्रिंक लेने के लिए मैं आज पहली बार पंजाबी बंदा ड्रिंक लेने के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ जितना मैं उस जगह पर जाके उस जगह को फील करने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो मेरे को लग रहा है एक ड्रिंक शायद इनफ होएगी वो जगह को फील करने के लिए और आपको भी फील करवाने के लिए। पर काफ़ी लोग थे जब मैं ये रूम ले रहा था और मैं जितने लोगों से पूछ रहा था उन्होंने बोला कि रूम काफ़ी छोटा है, तो मेरे को कहीं से नहीं लगा। ये देखो मेरा हाथ टच नहीं हो रहा क्योंकि पंखे हैं नहीं, इसलिए पंखे पे उंगली आने का कोई चांस नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है। और जब आप बाहर निकलते हो ना तो बाहर निकलते टाइम यहाँ का एक सिस्टम है जो बहुत ही अच्छा है, मतलब सारी जगह लाइट जल नहीं रही होती, जैसे जैसे आपके कदम पड़ते हैं वैसे वैसे। ये देखो अभी इधर लाइट नहीं जल रही है, जैसे जैसे हम क्रॉस करेंगे लाइटें जलनी शुरू हो जाएंगी। पूरी तरह से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग का भी पूरा प्लान किया गया, और कलर कॉम्बिनेशन जो रखा गया है, मतलब अगर आप इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको येलो सोफा, ऐसे कलर्स और शिप तो लगी हुई है, मतलब जहां पर भी आप जाएंगे वो वाला फील देते रहेंगे कि आप एक शिप के अंदर हैं। क्या है कि पहले यहाँ पर ड्यूटी फ्री भी होता था, बट अभी उसका परमिट खत्म हो गया, शायद वो वापस से आ जाएगा। तो जो आपको एयरपोर्ट पे दारू सस्ती मिलती है वो यहाँ पर भी आपको मिल सकती है। बाकी हैप्पी आवर चलता रहता है रोज 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो ये आलीशान सी जिंदगी आप व्यतीत कर सकते हैं। हमारा तो ड्रिंक आ गया, हम इसका एंजॉय करने वाले हैं कि मज़ा आ रहा है जी यहाँ पर आके, एक एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ और खुद भी उसको जी रहे हैं, उसका स्वाद
अलग ही है इसी बात पे। यहाँ पर आके ना तो शोर शराबा मिला, पर ये है कि ज़िंदगी को कहीं ना कहीं और करीब से देखने का मौका मिलता है जब आप ऐसी जगह पर होते हो जहाँ पर बहुत सारी जिंदगियों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। यानी कि हर वक्त पर जब ये शिप ट्रैवल पर निकलता था 2500 लोग होते थे, बहुत सारे तूफान और जो मैंने आपको बताया कि सब चीज़ें देखी हैं। तो जब आप ऐसी जगह पर बैठ के और कुछ वक्त बिताते हो तो कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी से और ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हो। तो हमने भी वो कनेक्ट करने की कोशिश की और हमारे को बहुत ही अच्छा लगा। और शायद ये मैंने 2 पैग मार लिए इस वजह से इतनी ज़िंदगी की बातें कर रहा हूँ, बाकी तो कोई ख़ास वजह थी नहीं। देखो जी, जब स्टार्टिंग में हम आए थे ना, तब हमारे को ये सब रास्ते याद करना बड़ा ही मुश्किल था। तब समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा याद कैसे होएगा और कुछ घंटों में कैसे याद होएगा, क्योंकि एक दिन था हमारे पास रहने के लिए। अगर मैं बताऊंगा आपको पर्सनली, तो मेरे को लगता है कि आपको एक बार ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए जब भी आपको मौका मिले। ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पे बहुत ही ऐसे न्यू ईयर के टाइम पे आ गए तो उस टाइम पे बहुत ही एक्सपेंसिव है, तब नहीं। जब आपकी पॉकेट भी अलाउड करे, जब आपका दिल भी अलाउड करे, कभी बच्चे ज़िद कर लें, कभी बीवी ज़िद कर ले या गर्लफ्रेंड ज़िद कर ले, तो प्लीज़ वाई नॉट, ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारे को ये मौका मिला तो हमने इस मौके से ये जीने की कोशिश की है। बाकी कल भी जिएंगे, क्योंकि कल का ब्रेकफास्ट करके हमारे को थोड़ा सा लेट चेकआउट है, तो कल हम जी कर जाएंगे इस जगह को। पर अभी काफ़ी थक गए हैं क्योंकि रात के कुछ 12:30 बज गए हैं। मैं सोचा था कि जल्दी आ जाएंगे, जल्दी सो जाएंगे, थोड़ा सा इस जगह का और इन्जॉय करेंगे, पर आज हो ना पाया। तो इसीलिए आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। हूँ तो ज़्यादा ख्याल रखो, असी भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे, चंगा रब रखा जी। अगर ब्लॉग चंगा लग गया तो सब्सक्राइब भी करके जी, क्या गल अच्छी। धन्यवाद।